सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, जीएसटी काउंसिल की 45 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो चुकी है और उसकी प्रेस रिलीज आ चुकी है 9:16 पर 17 सितंबर को। सर, ये प्रेस रिलीज हमें कहाँ से मिलेगी? भैया, आपको क्या करना है, आपको पीआईबी की साइट पर जाना है और वहां से इस प्रेस रिलीज को डाउनलोड कर लेना है इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि अगर आपके सामने प्रेस रिलीज खुली रहेगी तो आपको पढ़ने में समझने में आसानी रहेगी। तो इस प्रेस रिलीज में क्या क्या कहा गया है, सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सर, ये प्रेस रिलीज तो बहुत लंबी है भैया, इसमें क्या है ना, शुरू की बातें है ना, रेट को लेकर है कि हमने इसके रेट कम कर दिए, इसके रेट ज़्यादा कर दिए, कुछ सर्विस को एग्जेम्प्ट कर दिया, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये वाला आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पढ़ लीजिएगा। तो सर, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इसके अंदर आई हैं, रेट्स को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो सर, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें? पहली चीज़ है ITC 04। ITC 04 सब लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन जो लोग मैन्युफैक्चरर होते हैं उन लोगों को ITC 04 भरना होता है। कैसे भरना होता है? क्वार्टरली फाइल करना होता है जितना माल उन्होंने अपने जॉब वर्कर को दिया। लेकिन ये एक फालतू का कंप्लाइंसेस गवर्नमेंट को लग रहा था, कुछ लोग इसे फॉलो भी नहीं कर रहे थे, ना इसके ऊपर कुछ लेट फीस थी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई ये कंप्लाइंसेस करना तो है आपको, लेकिन करना क्या है, अगर किसी की टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उसे जो है ITC 04 6 महीने में एक बार भरना है, मतलब कि साल में 2 बार। और अगर किसी की टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो उसे ये साल में एक बार भरना है कि कितना माल आपका गया और कितना माल वापस आया। हो सकता है आने वाले टाइम में अप टू 5 करोड़ वालों के लिए इसे एग्जेम्प्ट भी कर दे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि ITC 04 आप लोग भरते हैं या नहीं। बहुत कम लोग इसे भरते हैं क्योंकि अभी तक इस पर पेनल्टी वेनल्टी कुछ भी नहीं आई है। दूसरा जो चेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के हमारे पास कॉल आए, कई लोगों ने हमारे से मेंबरशिप ले रखी है, वो हमेशा ये पूछते थे कि सर, हमने ITC यूज कर लिया, अवेल भी कर लिया और यूज भी कर लिया, और कुछ केसेस में सिर्फ हमने ITC क्लेम करा है लेकिन उसे अवेल तो कर लिया है, यूटिलाइज नहीं करा। दो वर्ड होते हैं, एक होता है अवेल और एक होता है यूटिलाइज। अवेल का मतलब क्या होता है कि भाई आपने ITC अपनी 3B में क्लेम कर लिया और वो क्रेडिट लेजर में चला गया, लेकिन अगर वो क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है और आपने उसे यूज नहीं करा किसी भी पेमेंट में, तो इस वाले केस में गवर्नमेंट ने पहले पटना हाईकोर्ट में जजमेंट में एक अच्छा डिसीजन दिया था। अब इन्होंने इसमें सेक्शन में चेंज करने जा रहे हैं कि अगर आपने ITC ले लिया और अगर आपने उसे यूटिलाइज करा है, ITC लेने के बाद गलत ITC ले लिया आपने और अगर आपने उसे यूटिलाइज कर लिया है तो उस वाले केस में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18%। लेकिन अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया है, अगर आपने उसे ले तो लिया लेकिन यूटिलाइज नहीं किया है, तो आपको इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कई GST डिपार्टमेंट से यहाँ पर 24% इंटरेस्ट लगा रहे थे, लेकिन अब उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा इसके बाद, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। लिखा हुआ है कि द इंटरेस्ट टू बी चार्ज ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ नेट कैश लाइबिलिटी, ये इन्होंने पहले ही कर दिया था। प्रोवाइड द इंटरेस्ट टू बी पेड बाय द टैक्स पेयर और इनएलिजिबल ऑन इनएलिजिबल ITC अवेल्ड एंड यूटिलाइज एंड नॉट ऑन इनएलिजिबल ITC अवेल्ड। तो यहाँ पर इस बात को आपको समझना है। अब उसके बाद क्या दिक्कत आती थी, इस दिक्कत को समझिएगा। मेरा एक पैन नंबर दिल्ली का है और एक पैन नंबर UP का है, तो उसमें कई बार क्या होता था, टैक्स ज़्यादा जमा हो जाता था या कुछ भी हमारा ज़्यादा जमा हो गया तो हम आपस में इसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाते थे। हमारा GST नंबर दोनों अलग अलग है लेकिन पैन नंबर सेम है। तो इस वाले केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि भाई अगर आपके एक GST लेजर में पैसा है और आप उसे दूसरे में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ कैश लेजर के लिए होगा, क्रेडिट लेजर के लिए ये नहीं होगा। इस चीज को आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा इंटरमीडिएटरी सर्विसेज के ऊपर लोगों को काफी कंफ्यूजन रहती थी, तो इन्होंने क्या बोला, इसके लिए भी हम सर्कुलर लेकर आएंगे कि जिससे आप उसे सही से पढ़ लो। 16(4) पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट सर्कुलर लेकर आएगी। अब यहां पे एक चीज क्या है, इनवॉइसिंग। इन्होंने क्या कहा है कि जब हमने तुम्हारे लिए इनवॉइसिंग एप्लीकेबल कर दी तो उस वाले केस में आपको फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं है इनवॉइस की, ये बात भी इन्होंने बताई है।
इसके अलावा रिफंड के लिए भी इन्होंने कुछ चीजें बताई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपने गलत टैक्स की पेमेंट कर दी, गलत टैक्स मतलब सीजीएसटी पे करना था और आपने आईजीएसटी पे कर दिया, तो सेक्शन 77 सीजीएसटी एक्ट का और आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 19 ये कहता है कि आप रिफंड ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर 2 साल की लिमिट लगेगी या नहीं लगेगी, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन थी, तो गवर्नमेंट कह रही है हम ये वाली कन्फ्यूजन भी आपकी दूर कर देंगे। सर ये सारी कन्फ्यूजन कैसे करेंगे भाई, देखो अब ना नोटिफिकेशन की बाढ़ आ जाएगी, अब ना सर्कुलर की बाढ़ आ जाएगी 2-4 दिनों में, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी। जिन्होंने हमारी पेन ड्राइव सब्सक्राइब कराई हुई है, जिन्होंने हमारी मैगजीन सब्सक्राइब कराई है, उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैगजीन के अंदर हम सारी अपडेट्स आपको देते हैं। सर अगर मैगजीन लेनी है तो क्या करना है भैया, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो और कह दो हमें मैगजीन चाहिए, आपको सैंपल कॉपी मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि भाई देखो बहुत हुआ, GSTR 1 की लेट फीस हम नहीं लेते थे लेकिन अब हम लेने शुरू कर देंगे। सर कैसे लेंगे, GSTR 1 में तो आता ही नहीं है लेट फीस का कॉलम, तो इन्होंने यहां पर क्लैरिफाई कर दिया कि जो GSTR 1 की जो लेट फीस होगी वो हम GSTR 3B के माध्यम से लेंगे। तो GSTR 3B में अब 2 तरह की लेट फीस आया करेगी, एक लेट फीस होगी GSTR 1 की और एक 3B की। इसके लिए आप तैयार हो जाए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है GSTR 1 की लेट फीस पुराने पर लगनी चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से नए से लगनी चाहिए, पुराने पर नहीं। सर ये कब क्लैरिफाई होगा भैया, नोटिफिकेशन आएगी क्लैरिफाई हो जाएगा। इसके अलावा ये क्या कहते हैं कि भाई रिफंड किस अकाउंट में दिया जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे, वो पैन कार्ड से आधार कार्ड से लिंक आपका होना चाहिए। इस चीज को इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है कि विच इज लिंक विद द सेम पैन, अगर वो उस पैन से लिंक है तो हम तभी आपको रिफंड देंगे। अब एक है हमारा रूल 59(6), ये बड़ा हाईलाइटेड रहता है, इन्होंने अब क्लियर कर दिया रूल 59(6) में कि भैया अगर आप 3B फाइल नहीं करते हो पिछले महीने की तो हम आपको GSTR 1 फाइल नहीं करने देंगे, ये 1 जनवरी 2022 से ये चीज अप्लाई कर देंगे। सर रूल 36(4) को लेकर लोग बाग परेशान रहते थे, तो इन्होंने क्या बोला है कि भैया जैसे ही सेक्शन 16(2)(AA) आ जाएगा, जैसे ही सेक्शन 16(2)(AA) आ जाएगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको ITC तभी मिलेगा जब सामने वाला अपनी GSTR 1 भर देगा, तभी आपको ITC मिलेगा, अदरवाइज ITC नहीं मिलेगा। तो ये कह रहे हैं जब हमारा ये सेक्शन 16(2)(AA) आ जाएगा तो रूल 36(4) की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, वो 5% भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम कुछ सेक्शंस और कुछ रूल्स को अमेंड कर रहे हैं, ये इन्होंने GST काउंसिल में बोला है। तो आने वाले दिनों में हमारे पास कई नोटिफिकेशन आनी होगी, तो आपको वो सारी चीज़ें एक साथ अगर चाहिए तो आप ये हमारी मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं इन नंबर पर व्हाट्सअप करके। और जो हमारे पेन ड्राइव मेंबर्स हैं, जिन लोगों को भी नए बैचेज की रिकॉर्डिंग मिलेगी तो वो सारी चीज़ें उसमें अपडेट होकर मिलेगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा अपने फ़ोन में, जिससे कि सारी जानकारी उन्हें पता लग जाए। आपको पता लग गया होगा कि ये प्रेस रिलीज हमें कहाँ से डाउनलोड करनी है, और इसमें जो रेट्स वगैरह वाली सारी चीज़ें होंगी, जो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें होंगी, वो हम अपनी मंथली मैगजीन में आपको ज़रूर देंगे। और जो हमारे पेनड्राइव मेंबर्स हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैगजीन मेंबर्स बताएं कि आपको हमारी सर्विसेज कैसी लग रही है। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।